दिल्ली अप टू डेट। अमेरिका से आयात किए जाने वाले विभिन्न तरह के पेपर रोल पर सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से रोक लगाए जाने का स्मॉल स्केल पेपर कन्वर्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने विरोध किया है और कहा है कि यह बड़ी कंपनियों के इशारे पर किया जा रहा है तथा इससे पेपर कटिंग व रोलिंग के काम में लगी इकाइयों के बंद हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कदम सरकार ने बिना सोचे समझे और बिना सलाह मशवरे से उठाया है, जिससे सरकार के रेवेन्यू तथा मजदूरों के रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि DGFT ने रोक लगाने संबंधी जो आदेश पारित किया है उसमें स्टॉक लोड शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है उसका तुरंत स्पष्टीकरण देना चाहिए। एसोसिएशन ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि वे तुगलकी आदेश का पुरजोर विरोध करते हैं और उसके सदस्य इसके खिलाफ धरना भी देंगे। इस मामले में आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लोगों ने अपनी बात कही। देखिए, सबसे पहले से आज हर जगह चर्चा का विषय है कि एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। मैं समझता हूँ, जैसे विनय जी ने कहा है कि ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट अगर बैन करती है, अगर गवर्नमेंट इनको 3 to 6 months देती पहले कि ऑन द वे जो आपके मटेरियल आ रहा है वो, प्लस जो आपका ऑलरेडी कच्चा माल यहाँ तैयार है वो, प्लस इनके पास जो ऑलरेडी 1 lakh आदमी काम कर रहे पूरी इंडस्ट्री के अंदर, उनको कुछ समय मिलना चाहिए कम से कम। और उसके साथ साथ बैंक लोन लेके पैसे एडवांस देके उनको माल मंगाया हुआ है और जब माल नहीं पहुँचेगा, ये तो पहला पहलू है। दूसरा पहलू है कि इससे जब पेपर महंगा होगा, आप देखेंगे पिछले 15 दिन के अंदर 15 से 20% प्राइस बूम कर गई है, जबकि प्राइस कम होनी चाहिए। आपकी डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस कम होनी चाहिए, जो आपने परसेंट किया था। बट कुछ लोग डिमांड के साथ साथ एक मोनोपोली करने के लिए, मतलब मैं बड़ा सरप्राइज कर रहा हूँ कि सरकार को इमीडिएटली एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाना चाहिए, उस प्राइस पर नियंत्रण करना चाहिए और इन लोगों के साथ विचार विमर्श करके लाना चाहिए कि इसको कितने टाइम में एटलीस्ट मिनिमम जो कंसाइनमेंट है वो तो आए पहले। अगर आप चाइना का माल अवेलेबल है और USA का माल अवेलेबल है तो सबसे पहले प्रिंटर अमेरिका का माल लेता है क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी आती है, उसमें प्रिंटिंग अच्छी होती है। भाई लोग जो भी उद्योगों में लगे हुए हैं उनका हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में पूरा विश्वास है। हमारे उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारी एसोसिएशन की अधिकारियों से मीटिंग करा के हमारी समस्या का समाधान करवाएं। मैं आपके अनुरोध से प्रेस भाइयों की